कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, बहुत ठीक हैं। चलिए मेरे साथ आज हॉस्पिटल, क्योंकि मेरा आज ऑपरेशन होने वाला है। तो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो आने वाले हैं। तो मैं नीचे आ गई हूँ और उनका वेट कर रही हूँ। और फ्रेंड, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले हो चुका है ना, बहुत पेनफुल था, और दूसरे का भी होना है, तो फ्रेंड थोड़ा डर रही हूँ। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों से, अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं दूसरे वाले आईज का वो कराऊँ, ऑपरेशन कराऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं नहीं काजल, फिर नहीं कराऊँगी तो दोबारा से फिर ज़्यादा वो हो जाएगा, इसीलिए फिर करवाना पड़ रहा है। फ्रेंड आप लोग बने रहिएगा, मैं आपको सारी चीज़ शेयर करूँगी और बताऊँगी कैसा है, क्या नहीं, कैसा फील होता है। बहुत बुरा फील होता है, लेकिन क्या करें, अब करवाना ही पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, साथ में बने रहिए। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और हम निकल, देखिए हम जा रहे हैं अभी। और बाइक में ही निकल गए दोनों। ओके, ये देखिए यहाँ से हाईवे है, ये मेट्रो स्टेशन है, इसमें मुझे डर लगता है। बस आगे तो कोई फिक्र नहीं है, चली जाती हूँ। और ये हम लोग हॉस्पिटल के अंदर पहुँच चुके हैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे ये जो सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो पूरे कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठी थी। देखिए सारा प्रोसेस होता है, बहुत कुछ, कितने सारे फॉर्म भरने होते हैं, सारे फॉर्म वगैरह भर के फिर ऑपरेशन के लिए रेडी हो रहे थे। ये देखिए मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई हूँ। ऑपरेशन में अभी मैंने ड्रेस चेंज करा है मैंने, इसके बाद ब्लॉग में बने रहिए, मैं बताऊंगी मेरे साथ क्या क्या हुआ। फ्रेंड बहुत ही बुरा हो गया मेरे साथ, तो बने रहिए मेरे साथ प्लीज़। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? आइए आप ठीक होंगे, मैं ठीक हूँ। चलिए आज आपको फिर से हॉस्पिटल लेके आती हूँ, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो चुका है। अब जा रही हूँ मैं दिखाने के लिए, मंडे को ऑपरेशन हो गया है फ्रेंड्स, और सही से हो गया इस बार। मुझे थोड़ी ठीक से हो गया, कोई मुझे प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। पिछले बार तो बहुत घबराहट हो गई थी, डर लग रहा था और इतनी बीमार पड़ गई थी, लेकिन फिर इस बार ठीक है। देखिए यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, जो कटिंग हो रही है, देखिए। और बहुत अच्छे फूल वगैरह लगे हुए हैं, देखिए फ्रेंड्स, देखो कटिंग हो रही है सारी। फ्रेंड्स पहुँचने वाली हूँ, देखिए अभी ये हॉस्पिटल। आपके साथ बहुत बार शेयर कर लिया हॉस्पिटल, देखिए मैं, क्योंकि मुझे रोज़ आना पड़ रहा है, दो तीन दिन छोड़ छोड़ के आना पड़ रहा है, तो रोज़ ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए और हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ, अंदर जा रही हूँ, रिसेप्शन में जा रही हूँ। पहले रिसेप्शन में सारे फॉर्म वगैरह सबमिट होगा, फिर डॉक्टर मुझे देखेगा, टेस्ट करवाना है आपका, पहले टेस्ट करेंगे, फिर बाद में दवाई वगैरह देंगे। जो और जो दवाई डलता है ना फ्रेंड्स, उसमें देखिए बिल्कुल आँख में कुछ भी नहीं दिखता, एकदम ब्लर हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और ऑपरेशन भी बहुत ही बुरा था फ्रेंड्स, बहुत ही बुरा। देखिए मैं निकल गई हूँ बाहर निकलने के लिए, घर के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं घर के लिए निकल रही हूँ, अभी मैं पार्क में आकर बैठी हूँ, क्योंकि मेरे आँख में होगा ब्लर ब्लर लग रहा है, तो मैं अभी निकलूँगी फ्रेंड्स घर के लिए। और ये दवाई डालने के बाद बिल्कुल आँख में कुछ दिखता ही नहीं फ्रेंड्स, और मैं अकेली आई हूँ तो हाईवे पार करने में मुझे प्रॉब्लम पड़ेगी, इसलिए मैं 10 मिनट यहाँ रुकना चाह रही थी, क्योंकि मैं आँख में नहीं देखूँगी तो मैं चक्कर खा जाऊँगी कहीं ना कहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए पार्क में पानी को नहीं डाल रहे लोग, कोई नहीं है, इतना धूप में कोई भी नहीं है,
बिल्कुल सुनसान है, तो मैंने सोचा 10 मिनट में बैठी हूँ। और पहले जब मेरा फ्रेंड्स जब मेरे आँख में ऑपरेशन हुआ था, पहली बार जब इंजेक्शन लगा था तो बहुत ज़्यादा रेड और वो हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। तो और जब दूसरी बार मुझे बुलाया था लगवाने के लिए, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी, मेरे को बिल्कुल होश ही नहीं था, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद बुलाया था तो क्या मंडे को लगा लिया है मैंने इंजेक्शन, और मंडे वाले इंजेक्शन से इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है फ्रेंड। अब देखो आगे क्या होता है। डॉक्टर ने मुझे 21 दिन बाद बुलाया है और बोला है जो कि देखो क्या होता है। और सिर में बहुत ज़्यादा पेन था, ये भी इसी के वजह से बोला है, जो कि आँख में आपके यानी कि जो सूजन की वजह से ही आपके आँख में प्रॉब्लम होती थी, तो इसी वजह से। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं। देखिए मैं घर के लिए निकल रही हूँ फ्रेंड्स, कर ली है, आप भी मेरे साथ बने रहिए। चलो कुछ दिन के लिए राहत मिल गई 21 दिन तक। शैम्पू मेहंदी के पेड़ लगे हुए देखिए फ्रेंड्स, और ये सब कटिंग वगैरह हो रहे हैं अभी। देखिए छोटा सा पूरी तो बहुत अच्छी तरह है। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है तो अच्छा लगता है, यहाँ पे आके इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं होती है तो ठीक ही लगता है। चलिए फ्रेंड आप मेरे साथ बने रहिए, चलते हैं आगे।